और अब बात बड़ी खबर की। भाजयुमो में नियुक्तियों को लेकर अभी भी विवाद जारी है। करौली में जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा की नियुक्ति पर नाराजगी जताई गई है। पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं गड़बड़ के आरोप और कुछ लोगों ने संगठन में शिकायत भी दर्ज कराई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तक पूरा मामला पहुंचा है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा बोले कि सक्षम स्तर पर चर्चा के बाद हुई है करौली जिला अध्यक्ष की नियुक्ति। तो भाजयुमो में नियुक्ति को लेकर अभी तक जो रार है वो जारी है। पार्टी के कार्यकर्ता गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने संगठन में शिकायत भी इसको लेकर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तक पूरा मामला पहुंच चुका है और ऐसे में बात कर ली जाए भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष की। हिमांशु शर्मा ने बयान दिया है कि सक्षम स्तर पर चर्चा के बाद ही करौली जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। तो सतीश पूनिया तक के मामला पहुंच चुका है। बड़ा सवाल ये कि पूनिया इसमें क्या कुछ एक्शन लेते हैं और अभी तक पूनिया की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है नियुक्तियों को लेकर गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं। जिलाध्यक्ष अंकित शर्मा की नियुक्ति पर नाराजगी जताई गई है पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए। संगठन में शिकायत भी कुछ लोगों ने यहाँ पर दे दी है और अब पूनिया यानी सतीश पूनिया तक पूरा मामला पहुंच चुका है। हालांकि जो भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमांशु, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि सक्षम स्तर पर चर्चा करने के बाद ही करौली जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। लेकिन इस नियुक्ति पर अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता और गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं और ये मामला पहुंच चुका है सतीश पूनिया तक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अब देखना होगा पूनिया इसमें क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या आगे कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है, पूनिया क्या कुछ बयान देते हैं, बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। भाजयुमो में नियुक्तियों को लेकर विवाद जारी है। अधिक जानकारी देंगे, अपडेट देंगे सहयोगी शशिमोहन। शशिमोहन, नियुक्ति पर गड़बड़ी करने के आरोप लग रहे हैं और इसके अलावा क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए मणि, पिछले लंबे समय से करौली में प्रदर्शन चल रहा है। तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं इस नियुक्ति को और अंकित शर्मा को करौली का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के नेता साथ में फोटो भेजी गई है, कार्यालय पे प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत की गई है और ऐसे आरोप तक लगाए गए हैं कि इस पद पर नियुक्ति में गड़बड़ हुई है, पद बेचने तक के आरोप लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा दोनों ही इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सक्षम स्तर पर अलग अलग जगह लंबी चर्चा हुई है। आपको ध्यान होगा एक दिन तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की तकरीबन 5 से 6 घंटे तक मैराथन बैठक चली थी और उस दिन भी भाजयुमो के जिलाध्यक्षों को लेकर के ही चर्चा हुई थी। हालांकि पार्टी किसी भी तरह की गड़बड़ से इनकार कर रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि कार्यकर्ताओं में कई बार जो अपेक्षित चेहरा नहीं आता है उसके चलते विरोध होता है, लेकिन समझाया जाएगा। इस मामले में भी कोई समाधान निकालने की बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं और भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको शशिमोहन तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो देखिए लगातार नियुक्ति में गड़बड़ी करने के आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से सहयोगी शशिमोहन ने बताया कि पद बेचने तक के आरोप कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए हैं।